जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिड टर्म का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर वन था मिड टर्म का, उसका पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग सॉलिड स्टेट लॉजिक इनटू रिले लैडर लॉजिक। ठीक है, पार्ट वन देख लेते हैं। इसकी जो लैडर डायग्राम बनेगी वो वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन इज लाइक दिस। ओके, इसका तरीका ये है कि हम इसको एक आउटपुट डिक्लेयर कर देते हैं। लेट से मैं इसको एम ज़ीरो कह रहा हूँ और इसको एम वन कह रहा हूँ। ये आसान तरीका है प्रॉब्लम को हल करने का। इसके अलावा भी कोई तरीका आप यूज़ करना चाह रहे हैं या आपने किया है, अगर वो लॉजिकली ठीक है तो आपका आंसर सही है। दैट मीन्स कि ए का इन्वर्स मैंने एक रिले पे लगा दिया, उसको मैंने नाम दे दिया एम ज़ीरो रिले। ठीक है, उसके बाद बी और सी ये और लॉजिक के ऊपर चल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि मैंने इनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इसके आउटपुट को मैं एम वन डिक्लेयर कर रहा हूँ, बी और ये सी। ठीक है, अब मुझे पता है एम जीरो और एम वन इन दोनों का आउटपुट एंड हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एंड कर लेता हूँ। एक अगर आप और से नोट करें तो इसके आउटपुट के ऊपर एक इन्वर्टर भी लगाया हुआ है, क्योंकि दिस इज अ नैंड गेट, इट्स एन इन्वर्टेड एंड गेट। तो एंड गेट है, उसका आउटपुट को इन्वर्ट किया हुआ है, तो आउटपुट को आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एंड गेट लगा हुआ है। तो मैं इसमें एम ज़ीरो और एम वन इनपुट्स ले लूँगा जो कि इसको एंड बना देंगे, और एक इसके आउटपुट को मैं बेसिकली डिक्लेयर कर दूंगा एम टू, और एम टू का जो इन्वर्स होगा दैट विल बी बेसिकली द आउटपुट एक्स। तो एक तरीका तो ये है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, वरना इसके अलावा ये था कि बी और सी को आप पैरेलल में रखें, ए को उठा के सीरीज में लेके आए, ठीक है, और फिर उससे एम टू को रन करवा सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में आपके पास ए और बी दोनों एंड हो रहे हैं, तो दो इनपुट्स को मैं ए और बी डिक्लेयर कर दूंगा एंड, इसको मैंने नाम दे दिया एम ज़ीरो और इन्वर्टेड वाले को नाम दे दिया एम वन। तो सी जो है बेसिकली इन्वर्टेड है, तो इसको मैंने नाम दे दिया एम ज़ीरो और इसको मैंने नाम दे दिया एम वन। ठीक है, एम ज़ीरो एम वन आपस में और हो रहे हैं, और लॉजिक एम ज़ीरो और एम वन आपस में और लॉजिक से लगे हुए, और इसके आउटपुट को मैं नाम दे देता हूँ एम टू, दिस इज एम टू। ठीक है, एम टू और डी ये दोनों आपस के अंदर एंड हो रहे हैं, एम टू और दिस इज डी, इनका जो आउटपुट है वो बेसिकली एम थ्री बन जाएगा। इसको मैंने M3 बना दिया और M3 को इन्वर्ट करके मैं Y बना सकता हूँ। M3 को मैंने इन्वर्ट कर दिया और मैंने इसको बना दिया Y। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो शॉर्ट आप आराम से कर लेंगे। पार्ट B को मैं एक ऑल्टरनेट तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह बेसिकली, दिस इज द सेकेंड मेथड। ए और बी दोनों एंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ए और बी को एंड कर दिया और उसके बाद सी का इन्वर्टेड और हो रहा है इसके साथ। तो दैट मीन्स कि मैंने यहीं पर सी का इन्वर्टेड और यूज़ करके इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वो पॉइंट आ गया जिसमें मैंने इनको और किया। अब इसका आउटपुट डी के साथ एंड हो रहा है, दैट मीन्स कि ये और इसको मैं डी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। याद रखिएगा दिस इज़ नॉर्मली ओपन, ठीक है, दिस इज़ नॉर्मली ओपन, डी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और फिर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक ऑक्सिलरी रिले एम ज़ीरो के साथ, और फिर एम ज़ीरो को जब आप इन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू वाई। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट तरीका है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। आप यही वाली अप्रोच पार्ट नंबर ए के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
जो मैंने मेथड बताया इसके थ्रू आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। लैडर लॉजिक सिमुलेटर जो WPL है उसका सिमुलेटर यूज़ करके आप लॉजिक को टेस्ट कर सकते हैं कि फलाने फलाने इनपुट्स के ऊपर क्या ये आउटपुट आ रहा है या नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर टू। इन क्वेश्चन नंबर टू वी हैव टू मेक लैडर डायग्राम्स अगेन फॉर ईच ऑफ द पार्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टाइमिंग डायग्राम्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द इनपुट एंड वाई रिप्रेजेंट्स द आउटपुट्स। पार्ट ए को देखते हैं। पार्ट ए, मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा ना आउटपुट को कंपेयर किया करें इनपुट से कि आखिर क्या वजह थी कि एक आउटपुट ऑन हुआ है, तो फिर हम उसको कंपेयर करके देख लेंगे कि क्यों ऑन हुआ था। वाई जीरो इस पॉइंट के ऊपर ऑन हुआ है, दैट मीन्स के वाई जीरो इसलिए यहां पर ऑन हुआ है क्योंकि एक्स वन ऑफ हुआ है। तो एक तो ये लॉजिक कहती है कि एक्स वन जब भी ऑफ होगा वाई जीरो को ऑन कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप यहां नोट करो तो इस पॉइंट पे एक्स वन अभी भी ऑफ है लेकिन वाई जीरो ऑफ हो गया है। दैट मीन्स कि सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक्स जीरो पर भी डिपेंड कर रहा है कि जब तक एक्स जीरो ऑन हो और एक्स वन ऑफ हो तब वाई जीरो ऑन होगा, ठीक है। तो इसकी जो लैडर है हम बना लेते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। जब तक x जीरो ऑन हो और जब तक x वन ऑफ हो, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्लोज स्विच लगेगा, तब y जीरो को ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने सही बनाया, ये ऑफ हो, ठीक है ठीक है, इस पॉइंट पे ये ऑन है तो दैट मींस ये ओपन हो जाएगा और जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, दिस इज करेक्ट। आप इस लॉजिक को टेस्ट भी कर सकते हैं सिमुलेटर पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट नंबर टू विच इज वाई वन। ये देखना है हमें ये क्यों किस वजह से ऑन हुआ है। तो ये इस वजह से ऑन हुआ है कि एक्स जीरो जब भी ऑफ होगा तब वाई वन ऑन हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि ये इस पॉइंट पर भी ऑफ था तो, लेकिन इस पॉइंट पर वाई वन ऑन नहीं हुआ, दैट मीन्स कि ये सिर्फ इस कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये किसी और चीज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि जब एक्स जीरो ऑफ हो और एक्स वन ऑन हो, एक्स जीरो ऑफ हो और एक्स वन ऑन हो तो तब वाई वन ऑन होगा। एक्स जीरो ऑफ हो और एक्स वन ऑन हो तो वाई वन ऑन होगा, ठीक है, तो वाई वन आपका ऑन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी, एक्स जीरो जब ऑफ है और एक्स वन भी जब ऑफ है, जब दोनों ऑफ होंगे, हाँ जब दोनों ऑफ होंगे तो उस कंडीशन में ही सिर्फ एक्स वन ऑन होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी नॉर्मली क्लोज आएगा। अब ये ठीक है क्योंकि इस पॉइंट पर एक्स जीरो भी ऑफ है एक्स वन भी ऑफ है, इधर भी एक्स वन ऑफ है लेकिन एक्स जीरो ऑन था, तो इसलिए यहाँ पर एक्स वन ऑन है, इस जगह एक्स जीरो ऑफ है और इस जगह दोनों ऑन है। तो बेसिकली हमें ऐसी लॉजिक लगानी है जो कि उस वक्त वर्क करे जब एक्स जीरो भी ऑफ हो और एक्स वन भी ऑफ हो, उस पॉइंट तक ये सिर्फ एक्स वन ऑन रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट लॉजिक, आप इसको फर्दर टेस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर टू पार्ट बी। अच्छा जी, इसमें तीन इनपुट्स हैं, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और सिर्फ एक ही आउटपुट है, रिलेटिवली स्मॉलर लैडर डायग्राम इसकी बननी चाहिए। बहरहाल देखते हैं, एक्स जीरो ऑन हुआ है तो वाई जीरो ऑन हुआ है, ठीक है, लेकिन और साथ लैच भी हुआ है, ठीक है, दिस इज अ लैचिंग आउटपुट, ये लैच लैच करेगा, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर भी एक्स जीरो ऑन हुआ था, इधर तो ये ऑन नहीं हुआ, दैट मीन्स के ये किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि एक्स टू अगर ऑन है और फिर एक्स जीरो ऑन होगा तो लैच नहीं करेगा, तो एक्स टू को ऑफ होना जरूरी है कि जब एक्स टू ऑफ हो और फिर ये ऑन हो तो ये इसको आउटपुट को लैच कर देगा, ठीक है। सबसे पहले लैचिंग के लिए देखते हैं, बाईपास स्विच बनाना पड़ेगा एक्स जीरो का, लेकिन हमें साथ ये भी मेक श्योर करना है कि एक्स टू उस वक्त ऑफ हो,
तो जाके वो आउटपुट को ऑन करेगा, आउटपुट वाई जीरो को, ठीक है। और उसके बाद एक्स जीरो ऑफ भी हो जाए, उसके बाद एक्स जीरो ऑफ भी हो जाए तब भी वाई जीरो ऑन रहे, तो ये सर्किट तो वर्क कर रहा है। अब ऑफ कंडीशन क्या रखी हुई है? ऑफ कंडीशन बड़ी सिंपल है, एक ही पल्स आ रही है, हमें पता नहीं है और किस पे लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है, तो हम सबसे आसान लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे जो ये है कि जब भी एक्स वन ऑन होगा तो वो लैच को ब्रेक कर देगा। तो दैट मीन्स कि एक नॉर्मली नॉर्मली क्लोज टाइप कॉन्टैक्ट इसके सीरीज में आ जाएगा, ठीक है, जो कि है एक्स वन का। दिस इज द करेक्ट लॉजिक, आप इसको चेक कर सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर ये सिस्टम सारा वर्क कर रहा है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री। इन क्वेश्चन नंबर थ्री वी नीड टू मेक अ सर्किट डायग्राम, ठीक है, इन विच वी नीड टू इंटरफेस टू एनपीएन सेंसर्स विद पीएलसी इनपुट मॉड्यूल एंड टू रिलेज विद पीएलसी ट्रांजिस्टर आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पीएलसी बना लेते हैं, दिस इज द पीएलसी। आपको पता है इसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं एसएस, सिंक और सोर्स, ठीक है। अब क्योंकि दो एनपीएन टाइप सेंसर्स इंटरफेस करने हैं तो हम दो इनपुट्स ले लेंगे, एक एक्स जीरो और एक एक्स वन, ठीक। सेंसर्स भी यहां पे बना लेते हैं, दिस इज एनपीएन टाइप सेंसर, दैट मीन्स कि इसको कुछ पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहे होंगे, ग्राउंड मिल रहा होगा और ये आउटपुट देगा। आउटपुट को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे एक्स जीरो के साथ। दूसरा एनपीएन टाइप सेंसर कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी हमें पॉजिटिव वोल्टेज देने होंगे, ग्राउंड देना होगा और ये एक्स वन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनपीएन सेंसर, दैट मीन्स कि ये ऑन होने पर नेगेटिव देगा और ऑफ होने पर ये पॉजिटिव देगा या फिर ये हाई जी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ये दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। तो ऑन होने पर नेगेटिव देगा, दैट मीन्स के इसके अंदर जो ऑप्टो कपलर सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, जरा उसको देख लेते हैं कि वो डबल एलईडी वाला एक ऑप्टो कपलर सर्किट है। एंड दिस इज द फोटो ट्रांजिस्टर, जो के कनेक्ट हो रहा है सीपीयू के साथ। एंड दिस इज कनेक्टेड टू द एसएस अलोंग विद सम द सेफ्टी रजिस्टर, ठीक है। इसी तरह का एक और ऑप्टो कपलर हमें बनाना है सेकेंड इनपुट के लिए। इस केस में क्या है, अगेन एक डुअल एलईडी वाला जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एलईडीज लगी हुई, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब है कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक। दिस विल बी कनेक्टेड टू एक्स वन एंड दिस इज द कॉमन पॉइंट विच इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू एस एस अलॉन्ग विद सम सेफ्टी रजिस्टर एज वेल, ठीक है। तो ये एस एस के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से इसका एक आउटपुट ट्रांजिस्टर है अलॉन्ग विद सम पुल अप रेजिस्टर और ये इसका सीपीयू पे जा रहा है। सो पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल के अंदर तो वायरिंग इस तरीके से होनी थी। लेट्स टॉक अबाउट द आउटपुट। आउटपुट के अंदर याद देखिएगा कि ये बेसिकली आपका ऑप्टो कपलर है, हर पीएलसी के अंदर इसके अपने ऑप्टो कपलर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। दिस इज द ऑप्टो कपलर। सही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटपुट मॉड्यूल। पीएलसी आउटपुट मॉड्यूल, इसके अंदर यही सिस्टम, यही ऑप्टो कपलर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगे होंगे सिंगल एलईडी के साथ, क्योंकि इसमें बाई डायरेक्शन एलईडी की
जरूरत नहीं होती, ठीक है। दिस विल बी कमिंग फ्रॉम सीपीयू, दो आउटपुट्स हैं तो दो आउटपुट्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बॉक्स बड़ा बना लेता हूँ, ट्रांजिस्टर्स बनाए जा सके, ठीक है। तो ये इन्फ्रारेड एलईडीज़ हैं और इसके आगे लगे हुए फोटो ट्रांजिस्टर, दोनों फोटो ट्रांजिस्टर्स का एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द कॉमन, और ये आपके आउटपुट्स आ रहे हैं। आउटपुट्स वाई जीरो से रिप्रेजेंट, वाई से रिप्रेजेंट होते हैं, तो एक आउटपुट आपके वाई जीरो, एक वाई वन आ गया और एक कॉमन आ गया। अब आपको क्या बताया हुआ है कि आपने रिलेज, दो रिलेज को ऑपरेट करना है, तो रिलेज को ऑपरेट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे कॉइल बनाऊंगा, ठीक है। ये रिले की कॉइल है, रिले नंबर वन, दिस इज रिले नंबर टू, कॉइल आर वन, दिस इज आर टू। इसको मैं यहाँ पॉजिटिव दे रहा हूँ और इसको भी यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो कॉमन पॉइंट है इसको मुझे नेगेटिव देना है। तो जैसे ही एक आउटपुट ऑन होता है, ये इन्फ्रारेड एलईडी ऑन होगी, फोटो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव कॉइल को पहले ही मिला हुआ, नेगेटिव उसको कॉमन पॉइंट के थ्रू मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि जब ये ऑन होगा तो पॉजिटिव पहले ही मिला हुआ कॉइल को, नेगेटिव उसको कॉमन के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। इन दिस वे आउटपुट मॉड्यूल में वायरिंग इस तरीके से की जानी थी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर हैज टू पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। तो पहले पार्ट ए को देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लैडर लॉजिक डायग्राम ऑफ पीएलसी, मेक द टाइमिंग डायग्राम ऑफ वाई जीरो एंड वाई वन सिग्नल विच सेटिस्फाइज द लैडर डायग्राम एज गिवन बिलो। तो लैडर डायग्राम ठीक बनी हुई है, इसको देखते हुए हमें कंप्लीट करनी थी टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। हमें टाइमिंग डायग्राम बनानी थी। तो आप देख सकते हैं कि एम जीरो जो सिग्नल है वो कंटिन्यूसली ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो M0 का सिग्नल कनेक्टेड है वो बेसिकली एक काउंटर के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स के, और काउंटर का जो सेट वैल्यू है वो रखी हुई है 5, दैट मीन्स के फिफ्थ राइजिंग एज पर C0 ऑन हो जाएगा, और जब C0 ऑन होगा तो Y0 ऑन हो जाएगा। तो इस वक्त Y0 ऑफ है क्योंकि C0 ऑफ है, ठीक है। तो जो फिफ्थ क्लॉक पल्स आएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ क्लॉक पल्स के ऊपर बेसिकली Y0 ऑन हो जाएगा एंड इट वुड रिमेन ऑन क्योंकि इसमें कोई भी रीसेट का सर्किट नहीं लगा हुआ, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये ऑन हो जाएगा। Y1 क्या है? Y1 ये बता रहा है कि जब भी M0 ऑन होगा Y1 ऑन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगा हुआ है C0 का, लेकिन C0 के ऑन होने के बाद जब ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा तब Y1 ऑफ हो जाना चाहिए और रिमेन, इट शुड रिमेन ऑफ। तो दैट मीन जब भी M0 ऑन होगा C0 के ऑन होने से पहले तक, तब तब Y1 भी ऑन रहेगा। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे क्योंकि C0 ऑन हो गया, C0 ऑन होने का मतलब है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट अब ओपन हो गया, तो Y1 ऑन नहीं रहेगा। तो सिंक्रोनाइज कर देता हूं आपको, इस पॉइंट पे ये ऑन हुआ है उतनी ही देर के लिए जितनी देर के लिए M0 ऑन हुआ था, ठीक है, ठीक। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट 4A, ठीक है। पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें भी हमें टाइमिंग डायग्राम कंप्लीट करनी है जिसके दो आउटपुट्स हैं वाई जीरो और वाई वन। इसमें ये है कि आपके पास जो एम जीरो सिग्नल आ रहा है, बेसिकली इसमें दो इनपुट्स भी हैं, ठीक है। इनपुट्स कह लें या इंटरनल रिलेज कह लें, इस वक्त एग्जैक्टली एक्सटर्नल इनपुट्स तो नहीं है क्योंकि हम आगे इसको यूज़ करेंगे, तो आई एम कंसिडरिंग दीज एज इनपुट्स, ठीक है। तो M0 0.5 सेकंड के लिए एक बार ऑन हुआ है और 3 सेकंड्स के लिए एक बार ऑन हुआ है, ठीक है। और M1 कुछ टाइम के बाद ऑन हुआ है। M0 को अगर आप ऑन करेंगे तो एक टाइमर ऑन हो जाएगा और टाइमर की जो सेट वैल्यू है, सेट वैल्यू ऑफ द टाइमर इज 10 सेकंड,
10 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलीसेकंड, बिकॉज दिस इज अ 100 मिलीसेकंड बेस टाइमर, तो दैट मींस कि ये एक सेकंड बन गया, ठीक है। तो सेट वैल्यू क्या कह रही है कि ये एक सेकंड तक अगर ऑन होगा, यानी कि M0 अगर एक सेकंड या उससे ज्यादा के लिए ऑन होता है तब T0 ऑन होगा, वरना T0 ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्योंकि ये आधे सेकंड के लिए ऑन हुआ है तो Y0 आउटपुट भी ऑफ ही रहेगा। अब देखते हैं कि ये तीन सेकंड के लिए ऑन हुआ है, तो तीन सेकंड पर ऑन होने का मतलब ये है कि जैसे ही एक सेकंड कंप्लीट होगा तकरीबन यहां पर एक सेकंड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर एक सेकंड कंप्लीट होगा तो T0 ऑन हो जाएगा, तो T0 ऑन हो गया इस पॉइंट पर, लेकिन अभी भी Y0 ऑन नहीं हुआ क्योंकि M1 ऑन नहीं है, तो दैट मींस कि ये तब ऑन होगा जब M1 इस पॉइंट के ऊपर ऑन होगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर टाइमर 1 का भी आउटपुट ऑन है, M1 भी ऑन है, जब दोनों ऑन होंगे, जब दोनों ऑन हो जाएंगे तो उसकी वजह से Y0 ऑन हो जाएगा, और Y0 तब तक ऑन रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक भी कॉन्टेक्ट ऑफ नहीं हो जाता। तो यहां आप नोट करें M0 ऑफ हो रहा है, जैसे ही M0 ऑफ होगा टाइमर की सेट वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी और सेट वैल्यू की इक्वल नहीं होगी, जिसकी वजह से टाइमर का ये वाला कॉन्टेक्ट दोबारा ओपन हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि ये इस पॉइंट पर आके दोबारा जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ Y0। Y1 क्या है, इट इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ Y0, दैट मीन्स के Y1 पहले से ही ऑन रहेगा और जिस टाइम पर Y0 ऑन होगा ये ऑफ हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर बी। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाई क्वाड्रेचर रोटरी एनकोडर्स हैव टू आउटपुट चैनल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेचर रोटरी एनकोडर जो होता है उसके दो आउटपुट चैनल्स होते हैं। इसका आंसर आपको डिटेल में शो करना था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर एक चैनल होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम था। दिस इज द डिस्क जिसके ऊपर आपके पास स्लॉट्स बनी हुई हैं, ठीक है, और जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर जो सेंसर का एक पेयर लगा हुआ है इट इज़ गोइंग टू गिव यू द स्क्वायर वेव आउटपुट। जैसे ऐसे टर्न करते जाएंगे स्क्वायर वेव आउटपुट पे आती रहेगी, चाहे आप सी डब्ल्यू डायरेक्शन में चलाएं या सी सी डब्ल्यू डायरेक्शन में चलाएं, आउटपुट वुड रिमेन द सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन तो पता लग रहा है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं पता लग रही कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई, ये पता नहीं लग रहा। दो चैनल यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि दो चैनल आपस में 90 डिग्री अपार्ट होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास कुछ इस तरीके से 90 डिग्री फेस शिफ्टेड सिग्नल आ रहा होगा चैनल ए और चैनल बी का। दिस वाज फॉर चैनल ए, ठीक है, तो दो चैनल की वजह से हमारे पास डायरेक्शन भी फाइंड आउट हो जाती है। इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास 1 0 1 1 0 1 0 0 आ रहा है एंड देन अगेन 1 0, तो ये यू सी ये जो चार का सीक्वेंस है इट इज़ गोइंग टू रिपीट अगेन। तो दैट मीन्स के 1 0 के बाद अगर 1 1 आए या 1 1 के बाद 0 1 आए और फिर 0 1 के बाद 0 0 आए, दैट मीन्स के उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है। अगर यही सीक्वेंस रिवर्स में आना शुरू कर दे तो दैट मीन्स के जो मोशन की डायरेक्शन है वो रिवर्स है। तो आपको ये टेबल बनाना था, बेसिकली आपको वो टेबल बनाना था जो लेक्चर में है, और फिर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना था कि दो चैनल्स बेसिकली किस तरह हेल्प करते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। जिसने बिल्कुल क्लियर प्रिसाइज आंसर लिखा है तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था, उसी के ही मार्क्स होंगे, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द मिड टर्म। बहुत आसान सा मिड टर्म था, कोई लंबा चौड़ा नहीं था, तो उम्मीद है आप लोगों ने सबने अच्छा ही किया होगा।